हेलो दोस्तों, विंडो के बारे में तो आप सभी को पता है कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने पीसी या लैपटॉप में यूज करते हैं। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं किस तरह आप अपने पीसी या लैपटॉप में विंडो को एक बूटेबल यूएसबी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो और किस तरह आप एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हो, इसी बारे में आज हम बात करने वाले। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देख रहे हो भैया ट्रिक्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको एक बूटेबल यूएसबी बनानी है तो सबसे पहले आपके पास एक 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा और क्या क्या चाहिए वो आप एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने इसके साथ अटैच किया वो देखिए। उसमें आपको चाहिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर, उसके अलावा नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आप सबके पास पहले से होगा, आप यूज करते होंगे, अगर नहीं भी करते हो तो उसके बारे में आपने जरूरी सुना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक पेन ड्राइव 8 GB की, उसके अलावा एक जो सॉफ्टवेयर है वो पीसी या लैपटॉप, और एक आपकी जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसका एक आईएसओ फाइल आपको नेट से मिल जाएगी। आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तो ये प्रैक्टिकल वीडियो आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने माय कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और पेन ड्राइव जो है वो मैंने कनेक्ट कर रखी है, और फ्रेंड मैंने एक विंडोज 7 की DVD भी लगाई हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो वो DVD तो मैंने ऐसे ही लगाई हुई है। तो अब आपने जो ISO फाइल डाउनलोड की है, वो जो फोल्डर है जिसमें आपने डाउनलोड किया ISO फाइल, वो ओपन कर लीजिए। तो फिर मैंने देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फोल्डर ओपन किया जिसके अंदर मैंने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया है, विंडोज 7 64 बिट, विंडोज 7 ऑल इन वन, और एक है विंडोज 10, ठीक है फ्रेंड। तो मैं विंडोज 7 ऑल इन वन की मैं सिर्फ ऑल इन वन के बूटेबल USB बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना जिसका नाम है WinRAR, और ये आपको शायद आपके PC में पहले से होगा, क्योंकि मैक्सिमम PC में मैंने देखा है कि ये पहले से होता है, और नहीं है तो ये लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। और मैं फ्रेंड आपको बता दूँ, अगर आपको बूटेबल डिवाइस आपका कंप्यूटर का बिट चेंज करने के लिए चाहिए, तो अगर आपको 32 बिट से 64 बिट में जाना है, तो आप जो डाउनलोड करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो वो 32 और 64 बिट दोनों का जो मिक्स में आता है वो वाला कीजिएगा, या फिर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर 32 बिट में करना है तो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, या फिर दोनों मिक्स में जो होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऑल इन वन जो किया है इसमें, मैं इसको देखिए फ्रेंड, विंडोज के जो ऑप्शन आते हैं ये सारे, इसके अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल का, ठीक है फ्रेंड। तो फाइल जो आपकी फाइल है उस पर लेफ्ट क्लिक करना है, वहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट फाइल पे, और उसके बाद जो आपकी पेन ड्राइव है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी पेन ड्राइव का नाम है परियार ट्रिक्स, इसमें आ रहा है परियार ट्रिक्स लास्ट में, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है, और फिर जो है फाइल जो है एक्सट्रैक्ट होने लग जाएगी, ठीक है फ्रेंड। कोई और ऑप्शन मत कीजिएगा, जो आपकी पेन ड्राइव है उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जाते ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड आप देखिए ये जो है एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है, तो हम यहाँ वेट करेंगे। तो मैं फ्रेंड इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट जो लास्ट का पार्ट है वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। आपकी ये पूरी प्रोसेस जो होगी इसके अंदर 15-20 मिनट तक टाइम लग सकता है, तो आप वेट कीजिएगा जब तक ये पूरा होता है, तब तक के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब होने ही वाला है थोड़ी देर में, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और। फिर मैं आपको बता दूँ, ये ISO फाइल जो है आप सॉफ्टवेयर या फिर गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर सकते हो, जिस तरह की आपको चाहिए, चाहे 32 बिट चाहिए या 64 बिट चाहिए, या सबकी मिक्स में चाहिए, 32 बिट या 64 बिट की दोनों मिक्स में चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगी दोनों ही वेबसाइट्स पे, और दोनों फिर ट्रस्टेड वेबसाइट है, मैं दोनों को ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और काफ़ी आसानी से यहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे। एक्टिवेटर नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक्टिवेटर आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए कंप्लीट हो चुका है, अब हम देख लेते हैं माय कंप्यूटर ओपन करके। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। अब आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कीजिए और फिर से इंसर्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो नहीं आ रहा है आगे, तो अब जब हम पेन ड्राइव को रिमूव करके फिर से इंसर्ट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव में जो लोगो आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, अब वेट करते थोड़ी देर जब तक पेन ड्राइव यहाँ पे फिर से शो करती है, तब तक के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट कर ली है, अब मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पेन ड्राइव आ चुकी है, और इसका लोगो आप देख सकते हो, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क का जो लोगो होता है वैसा ही लोगो आ रहा है, जैसे कि आप मेरे विंडोज 7 जो डाली हुई इसका लोगो भी देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। और फ्रेंड अगर आपका जो लोगो ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप पेन ड्राइव को रिमूव कीजिए और फिर से इंसर्ट कीजिए, उसके बाद
मैं आपको बता दूँ क्या करना होगा। इस तरह का जो पॉपअप आता है जो कि पेन ड्राइव जब भी डालते तब, तो उसमें आप देखिए लोगो जो आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आ जाएगा लोगो, भले यहाँ पे ना आए लेकिन वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जब इसको ओपन करता हूँ तो आप देखिए सेटअप की सारी फाइल्स हैं। तो फ्रेंड अगर आप 32 बिट यूज़ कर रहे हो, 32 बिट में ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है तो आप डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं, या फिर 64 बिट यूज़ कर रहे हो उसमें आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना तो भी आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, वरना आपको रिस्टार्ट करके बूट मेन्यू से करना होगा। तो फ्रेंड बूट मेन्यू से कैसे करते हैं वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से आप अपने पीसी में इसको इंस्टॉल कर सकते हो बूट मेन्यू के थ्रू, विंडोज में बिट चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह हम एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, और फ्रेंड सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं कर सकते बल्कि हम हमारे पीसी को 32 बिट से 64 बिट में और 64 बिट से 32 बिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद में छोटा सा बेल आइकन आएगा उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन और आप वो वीडियो देख पाओगे सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं बोलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।